अच्छा दोस्तों, इसके आगे आप देखिएगा कि ये मैंने आपको जो ब्लैक जिसमें नज़र आएगा उसमें सारे अर्थिंग के भी पॉइंट लगते हैं, यानी कि ब्लैक वाला जो है अर्थ स्विच सॉकेट आउटलेट है, ये वाला ब्लैक जो है ये भी अर्थ स्विच सॉकेट आउटलेट है, प्लस वेदर प्रूफ भी, यानी कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। प्लस ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये स्पर आउटलेट, ये हमेशा सीलिंग के ऊपर ही लगता है। उसके बाद ये 20 एम्पेयर का स्विच है, जिसे हम आम जबान में बटन बोलते हैं। ये जो है 20 एम्पेयर का आउटलेट है, हीटर के लिए यूज़ होता है, आगे हीटर की शेप नज़र आ रही है। बाकी ये आइसोलेटर है, मैं आइसोलेटर की दो टाइप्स हैं, SPN और TPN आइसोलेटर, इनके बारे में मज़ीद आपको बाद में बताया जाएगा। उसके आगे ये है हमारा कंट्रोल पैनल, ये है कंट्रोल पैनल, और इसके नीचे है ये पुश बटन जो कि बेल के लिए यूज़ होता है। ये आपको केबल ट्रे मिलेगी जिसके ऊपर केबल रखी जाती हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DB इसको बोला जाता है। ये है SMDB, यानी कि सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये है हमारी सब चीज़ें, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, समझ सीख लें। इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल है वो आपको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कोई सवाल हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।